Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another review video and today I'm going to review a makeup product which is concealer from Insight Cosmetic. You all know guys ki Insight Cosmetic ke jo product hote hain wo ultra affordable hote hain but unki quality jo hoti hai wo kisi high end brand se kam nahi hoti. Personally mujhe Insight Cosmetic, Mars Cosmetic ye brand bahut hi zyada pasand hai. वैसे ये जो कंसीलर है ये नया नहीं है, इसको लॉन्च हुए आई थिंक 6 to 8 मंथ हो गए हैं बट जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया मुझे ये कंसीलर इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे लगा कि इसका डिटेल्ड रिव्यू तो बनता ही है. इस वीडियो में मैं इस कंसीलर के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. ऑल राइट गाइज, तो जिस कंसीलर को आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये इनसाइट कॉस्मेटिक की क्रीम कंसीलर जिनका प्राइस है 100 रुपीज़ बट ये आपको हमेशा डिस्काउंट में 1995 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको 3.5 ग्राम्स की क्वांटिटी मिलेगी और जिसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की. इसमें टोटल 6 शेड हैं, शेड रेंज थोड़ी कम है क्योंकि ये कंसीलर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. वैसे मुझे मेरा एग्जैक्ट शेड मिल गया है बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. कुछ इस तरह कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है. बहुत ही क्यूट सी इसकी इनर पैकेजिंग है, लाइक एक छोटा सा पॉट मिलेगा आपको, इस तरह से ओपन करना है. एंड मैंने इसमें 2 शेड लिए हैं क्योंकि मुझे रिव्यू करना था. वैसे दूसरा शेड जो है वो थोड़ा सा मेरे शेड से डार्क है बट मुझे लगा कि देख लेते हैं, यू नो फाउंडेशन के नीचे तो आराम से चल जाएगा. एक तो है इसमें NC5 मीडियम येलो जो कि मुझसे थोड़ा सा डार्क है, दूसरा है NC2 बेज. तो जो बेज है ना वो परफेक्ट मेरा शेड है. लाइक अगर आप मेरे ही स्किन टोन के हैं तो आपके ऊपर NC2 बेज जो है वो परफेक्ट जाएगा, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. और मैं इसका स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ. ये है NC2 बेज एंड दूसरा जो है वो है NC5 मीडियम येलो. ये थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है. यू कैन सी जो मेरा शेड है वो ये है, ये थोड़ा सा ना येलो टोन में लाइक वार्म अंडरटोन है इसकी उसमें है और ये जो शेड है ना ये थोड़ा सा मुझे कूल टोन लग रहा है, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा मडी जो टोन नहीं होती वैसा सा लग रहा है. तो अगर मेरे स्किन टोन से हल्का सा आपका स्किन टोन थोड़ा सा डाउन है ना तो आपके ऊपर ये भी अच्छे से जाएगा. वैसे मुझे लगता है ना ये मेरे ऊपर भी अच्छे से जाएगा, लाइक जब थोड़ी सी स्किन टैन वैन हो जाती है तो इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ आराम से. और अभी मैं इसको ना आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड होता है, इसका एप्लीकेशन एवरीथिंग. मैं यहाँ पर दोनों ही शेड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि दोनों ही शेड मुझ पर कैसे दिखते हैं. एक तो है NC2 बेज एंड दूसरा है NC5 मीडियम येलो. ये जो NC2 बेज है ना ये परफेक्ट मेरे स्किन पे जाता है, मतलब इससे अच्छा मैच मेरे स्किन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता. सो मैं इसको अप्लाई करूँगी इस तरफ और इस तरफ मैं अप्लाई करूँगी NC5. पहले हम NC2 अप्लाई करके देख लेते हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से ये कवर कर देगा मेरे डार्क सर्कल को और जो भी मेरी अंडर आई एरिया में पिगमेंटेशन है उन सबको ये बहुत ही अच्छे से कवर कर देगा और आपको बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं, इतना नेचुरल ये लगेगा कि लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ अप्लाई किया हुआ है. इसको मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे और इसमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. यू कैन सी द डिफरेंस, मतलब आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जरा सा कंसीलर अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है, कितने अच्छे तरीके से इसने मेरे डार्क सर्कल वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं मतलब. और इतना नेचुरल लगता है क्योंकि कुछ कंसीलर ऐसे होते हैं ना अप्लाई करते ऐसे लगेगा कि बहुत यू नो थिक लेयर कुछ अप्लाई कर रखी है या यहाँ पर क्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है. मैंने अभी इसको सेट भी नहीं किया है
सो यू कैन सी कि कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हुआ है, कितना नेचुरल दिख रहा है, कितना लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं दिख रहा है। कोई कोई कंसीलर होता है ना जो आपके अंडर आई एरिया को ड्राई कर देता है, तो ये बिल्कुल वैसा भी नहीं है। अच्छा, इस तरफ मैं ना NC5 अप्लाई करके देखती हूँ वो शेड मेरे पे कैसा जाता है, क्योंकि वो शेड अभी तक मैंने खुद अप्लाई नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। मतलब मैंने यही वाला शेड ज़्यादातर यूज़ किया है, क्योंकि मैं जब मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना होता, ये थोड़ा सा मुझे डार्क दिख रहा है, एंड थोड़ा सा ही वीडियो वगैरह के लिए कुछ करना होता तो सिर्फ मैं कंसीलर ही अप्लाई कर लेती हूँ। देखिए, ये मुझे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, लेट्स सी। ये थोड़ा सा डार्क है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा हल्का सा इससे डार्क है, आप देख सकते हो, आपको खुद हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा। बट फाउंडेशन के नीचे मैं इसको आराम से अप्लाई कर सकती हूँ, एंड फाउंडेशन के ऊपर हम हाइलाइटर के लिए कंसीलर अप्लाई करते हैं, देन मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ। या मुझे ऐसा लगता है ना कि वैसे भी मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है मेरी स्किन पे। सो कभी कभी स्किन टैन हो जाती है तो नॉर्मल जो हमारा शेड होता है ना वो लाइट दिखने लगता है, तो उस टाइम पे ये वाला कंसीलर काम आएगा मेरे लिए। बट दोनों ही शेड बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी जो ना स्किन की तरह ही लगेंगे, ऐसा लगेगा सेकेंड स्किन है। और इनको अभी तक मैंने सेट नहीं किया है, सो यू कैन सी कि ये क्रीज भी नहीं होते इतना जल्दी। अच्छा जी, तो अभी आपको पूरी तरह से आइडिया लग गया होगा कि ये कंसीलर कैसे हैं। थोड़े से कम लॉन्ग लास्टिंग है बट 4 to 6 hours आराम से चल जाएंगे। एंड इनकी सबसे अच्छी जो बात लगती है मुझे वो ये है कि ये मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर रखा है। इवन आप इसे एवरी डे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह अप्लाई कर रखा है। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन को कवर कर देगा, एंड ये क्रीज नहीं होता है लाइक कुछ कंसीलर होते हैं जो आपकी फाइन लाइन्स में बहुत ही जल्दी सेटल हो जाएंगे, लिड पे जो फाइन लाइंस होती है वहां पे सेटल हो जाएंगे। बट अगर आप इनको अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर देंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं होंगे। सो एक बार इनको जरूर ट्राई करिए, क्योंकि इतना ज्यादा यू नो एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनका प्राइस सिर्फ 90-95 रुपीज है। एंड अगर आप इनको ट्राई करते हैं तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, इवन आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।